रिकॉर्डिंग ओके सुशिया डियर माया जी, किस तरह का किरदार आपने निभा रहे हैं डियर माया में? तो मेरा जो किरदार है उसका नाम ईरा है, ईरा धवन। ईरा धवन बहुत ही फाइस्टी फ्री स्पिरिटेड लड़की है, खुश मिजाज है, बहुत ही हैप्पी लड़की है एंड उसके जो सपने हैं वो बहुत बड़े हैं। तो मेरे लिए उसका कैरेक्टर निभाना काफ़ी इंटरेस्टिंग था क्योंकि वो थोड़ी नॉटी भी है, उसे पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है, तो मेरे लिए बहुत ही अलग था क्योंकि मैं ऐसे बिल्कुल नहीं थी स्कूल में। और जो ईरा है वो स्कूल में उसका जो स्कर्ट है सबसे छोटा है, वो अपने स्कर्ट को स्टेपल करती है छोटा करने के लिए, और मेरा जो स्कर्ट था वो सबसे लंबा था स्कूल में। तो फॉर मी ईरा वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। सो काफ़ी डिफिकल्टी हुई थी जो जो आप नहीं हो वो उसको पोर्ट्रेट करने में, क्या डिफिकल्टी थी आपको? आई डोंट थिंक मैं डिफ़िकल्ट बोल सकती हूँ क्योंकि डिफ़िकल्ट तो नहीं, लेकिन एक्साइटिंग था मेरे लिए क्योंकि फर्स्टली ये मेरा फर्स्ट फिल्म है और मेरे जो डायरेक्टर हैं सुनैना भटनागर, उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल महसूस कराया, उन्होंने वर्कशॉप्स कराए, जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर हैं मुकेश सर ने वर्कशॉप्स कराए, तो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था क्योंकि बहुत ही अलग थी ये लड़की मेरे लिए एंड मैं इसे इन्वेंट कर सकती थी, मैं ईरा बना सकती थी, जो सुनैना की ईरा थी अब मैं श्रेया की ईरा बना सकती थी, तो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था एंड ऑफ कोर्स इट वाज अ लिटिल डिफिकल्ट, लेकिन सुनैना बहुत ही उन्होंने सपोर्ट किया मुझे। ट्रेलर में देखे हम ये तो जज कर ही सकते हैं कि द फिल्म इज अबाउट लव लाइफ एंड फ्रेंडशिप, सो व्हाट इज अकॉर्डिंग टू यू लव लाइफ एंड फ्रेंडशिप? आई थिंक लव लाइफ फ्रेंडशिप दे आर ऑल जस्ट टर्म्स ऑफ द सेम थिंग, दे डोंट हैव एनी बैरियर्स, दे हैव नो लैंग्वेज। Love can be in any form. It could be for a friend, it could be for a mother, it could be for my dog. So for me, I think all of them sometimes mean the same thing. I think I need to love the person and befriend the person that I love. So I think they're very important things for a human being. And above all, hope and belief is something that I live my life on. So it's very, very important. कितना relate है एक जो ऐसा बताओ कि हाँ मैं इस character से जरा सा relate कर सकती हूँ film में? Yes, film and real life. Relate तो मैं किसी character के साथ नहीं करती, लेकिन ईरा का जो character था मेरे लिए बहुत exciting था क्योंकि उसका जो energy है वो शायद मेरी energy के कई आसपास है, वो थोड़ी over excited है लेकिन वो पॉजिटिव है, उसे ज़िंदगी जीना है यू नो एक लार्ज स्केल पे। सो फॉर मी आई वांट टू लिव माय लाइफ टू द फुलेस्ट एंड शी इज़ काइंड ऑफ एम्बिशियस आल्सो व्हिच आई फील आई एम एज वेल, तो मेरे लिए वो रिलेटेबल था ईरा के लिए। आई डोंट थिंक आई रिलेट टू एनी ऑफ द अदर कैरेक्टर्स इन द फिल्म। जैसे हम ट्रेलर में देखते कि आप लोगों ने काफ़ी मनीषा जी को काफ़ी लेटर्स लिखे हैं, तो आपने रियल लाइफ में कभी लेटर्स लिखे हैं किसी को? एक्चुअली मैंने लिखे हैं लेकिन मैं बहुत छोटी थी, मेरी एक फ्रेंड थी जो लंदन में रहती थी एंड तभी आई डोंट इवन थिंक ईमेल था या कुछ था, और मुझे मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ अगर मेल में मेरे लिए एक लेटर आता है, तो हम एक दूसरे को लेटर्स लिखते थे एंड आई थिंक दो साल तक टिल टू ईयर्स बैक हम लोग लेटर्स लिखते थे इवन विथ ईमेल्स एंड ऑल। आई थिंक लेटर्स देयर समथिंग सो इम्पर्सनल पर्सनल अबाउट इट दैट इट्स फैबुलस। सो या किस तरह की केमिस्ट्री बैठी मनीषा जी के साथ, बिकॉज मनीषा जी भी काफ़ी टाइम बाद जी लाइक किस तरह की केमिस्ट्री बैठी उनके साथ? तो मनीषा मैम के साथ काम करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि शी इज़ बिन वन ऑफ माई फेवरेट एक्ट्रेसेस एंड शी इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर मी। सो फॉर मी मैं बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं नर्वस थी कि ओ माई गॉड आई एम वर्किंग विद मनीषा कोराला। तो जब भी मैं उनसे मिली शी पुट मी एट ईज़, उन्होंने मुझे बोला कि यू नो जस्ट डू योर बेस्ट, उन्होंने कभी ऐसे महसूस नहीं करवाया कि यू नो मैं इतनी नई हूँ एंड ऑल ऑफ दैट एंड शी यू नो सच अ बिग एक्ट्रेस हर सेल्फ। सो इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री आई थिंक बिकॉज शी इज़ सो हम्बल द कनेक्ट वॉज राइट देयर। आई मीन द फर्स्ट थिंग व्हेन आई सॉ हर आई वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज दैट फैन इन साइड ऑफ मी स्टार्टेड जंपिंग, बट शी इज़ सो हम्बल एंड इंस्पायरिंग दैट वी हिट इट ऑफ इंस्टेंटली। Did you get a chance to learn something from her? Of course I did. I learned so much from her because in fact I used to just observe her sometimes on set and just the way that she carries herself, the way she performs. She's so focused in all the chaos of the shoot as well. She'll always be so focused. I just hope I can imbibe that amazing quality from her. So like advertisement bhi kiye hai aapne and ab film, to kitna difficulty raha, koi challenging tha aapke liye?
ऑफ कोर्स इट वाज चैलेंजिंग क्योंकि एन एड फिल्म का शूट 2 दिन में ख़त्म हो जाता है, फिल्म का शूट 2 महीने होता है, सो इट इज़ क्वाइट चैलेंजिंग. लेकिन मेरे लिए उससे जो बड़ी बात थी, इट वाज वेरी एक्साइटिंग क्योंकि ये मेरा डेब्यू फिल्म है, तो इट वाज वेरी न्यू द एंटायर एक्सपीरियंस. एंड मैं एक्चुअली सेट पे सबसे छोटी थी, तो एवरीवन मेड मी फील वेरी कंफर्टेबल एंड स्पेशल, फ्रॉम माय प्रोड्यूसर्स संदीप लेजल, शोभना यादव, टू माय डायरेक्टर सुनैना भटनागर, टू मनीषा मैम हु इज़ जस्ट हर अमेजिंग सेल्फ, एवरीबडी वाज फैंटास्टिक ऑन सेट. लाल मेरा फेवरेट रंग है. Red, the color of life. Thank you so much. Thank you.